राजस्थानी टेराकोटा जिसे पेंटेड पॉटरी के तौर पर सब जानते हैं और इससे बने बर्तन, गमले, पॉट्स, होम डेकोर और वो सब चीज़ें जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे वर्ल्ड फेमस हैं। सस्ते कहाँ से मिलेंगे ये वीडियो के एंड में पता लगेगा, तो पूरी देखिएगा। देखा जाए तो पॉटरी की हिस्ट्री इंडिया में काफ़ी पुरानी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, तभी से मिट्टी के बर्तन इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का सबसे पुराना आर्ट में से एक है। इस आर्ट को करने वालों को कुम्हार कहा जाता है। टेराकोटा आर्ट राजस्थान की फेमस हैंडीक्राफ्ट में से एक है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने के आर्ट को ही टेराकोटा आर्ट कहा जाता है। इसके अलावा कागजी टेराकोटा के लिए अलवर फेमस है और सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर फेमस है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट के शौकीन हैं, क्रिएटिविटी के शौकीन हैं, तो आपको यकीनन टेराकोटा ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें घर सजाने के ढेर सारे ऑप्शंस हैं और वो भी एक से बढ़कर एक, और सारे के सारे बहुत ही रीजनेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस दिवाली दूसरों को गिफ्ट करिए, अपना घर सजाइए इन्हीं टेराकोटा मास्टरपीस से। और ये आप कहाँ से ले सकते हैं, कितने प्राइस में ले सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल दी जाएगी वीडियो में। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि जितने भी शहरों में क्रिएटिविटी हो रही है वही मैं आपको दिखाऊंगी। देखा जाए तो टेराकोटा आर्ट जो है इंडिया में राजस्थान के अलावा भी और जगह होता है, जैसे कोलकाता में टेराकोटा आर्ट होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस राजस्थान का टेराकोटा आर्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर 3-4 कलर्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। इन्हीं कलर को बार बार रिपीट करके बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और हाँ, टेराकोटा वर्ड जो है बेसिकली इटालियन वर्ड है। टेरी का मीनिंग जो है वो अर्थ होता है और कोटा का मीनिंग होता है बेक्ड, तो इसका मतलब है मिट्टी को पकाकर जो चीज़ बनाई जाती है उसे हम टेराकोटा कहते हैं, और पकने के बाद ये लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर जितना भी सजावटी सामान बना हुआ है वो सब टेराकोटा का है। ये काफ़ी मजबूत है और इन्हें बेक्ड करने के बाद इनकी मजबूती और बढ़ जाती है, और कलर करने के बाद तो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ये हमारा राजस्थान का आर्ट है सारा। ये सारा बेसिकली टेराकोटा है। राजस्थान से मतलब यहाँ पर आप क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पर तो हम लोग रॉ मटेरियल आता है हमारा घर से, बाकी यहाँ पर उसको फिनिशिंग देते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल किस टाइप का होता है? रॉ मटेरियल जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, विदाउट पेंट वाले होंगे और उन्हीं पर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जो आप ये कलर हुआ हुआ है ये सब आपने ही करा है? यहाँ पर फिनिशिंग देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में फिर स्क्रैच वगैरह का डर रहता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर आकर पेंट करते हैं। तो इस टाइम आपका जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम कौन कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो समझ सकते हैं दिवाली का सीजन है, तो फिर दिए पर ही ज़्यादा फोकस कर रखा है। इस वाले दिए हैं, ये हमारे फ्लोटिंग वाले, जैसे गुड़ली लेकर फ्लोटिंग वाले बाउल हैं, इसके अंदर ही फ्लोट करने के काम आते हैं। मैं बाउल दिखा देता हूँ, पानी भर के पेटल्स वगैरह डालते हैं और वैक्स की कैंडल्स वगैरह भी फ्लोट करते हैं लोग। दिवाली पे काफ़ी चलने वाला आइटम है। अच्छा, ये साइज़ क्या क्या होगा? ये साइज़ हमारे पास काफ़ी तरह के हैं, लगभग 8 इंच से लेकर हमारे पास 24-25 इंच तक के साइज़ हैं। अच्छा, और प्राइस? प्राइस भी बहुत रिजनेबल रेट्स हैं, 150 से स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा 250, 350, 450, 550 साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता रहता है उस हिसाब से। बाकी इसमें हमारे पास वैक्स वाले नए लेटेस्ट में हमारे पास ये वाले कैंडल्स आए हैं, जो भी हैं ये वाले हैं, बाकी ये भी दिवाली पर बहुत चलते हैं, इको फ्रेंडली हैं ये। अच्छा, इको फ्रेंड, ये आपका मतलब दिवाली स्पेशल है? दिवाली स्पेशल है।
दिवाली पर ही आता है, स्पेशल यही बनाते हैं दिवाली पर। अच्छा, ये छोटी छोटी मटकी टाइप है, उसके अंदर कैंडल्स हैं। अच्छा, ये पैक कितने का होगा? इसमें 150 से स्टार्ट हो जाता है, 150, 250, 350 साइज के अकॉर्डिंग होगा, जितने दिए हैं उसमें वैक्स के हैं उसी हिसाब से पैक। अलग चीज़ें काफ़ी हैं, जैसे कि पॉट्स वगैरह हैं, स्टैंड्स हैं, चौकियाँ हैं, नीचे के एलिफेंट्स वगैरह हैं, तो इस सब तरह की चीज़ें घर में डेकोरेट कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे पास ये बेल्ट्स वगैरह हैं, ऊपर हैंकी हुई हैं, कहीं भी आर्ट्स में पोर्ट्स पे लगाना चाहें, ये भी लाइट के लिए काफ़ी लैंप्स वगैरह हैं, तो वैरायटी काफ़ी है अपने पास। बाकी डिज़ाइन हम घर से करते हैं, राजस्थान से, यहाँ से नहीं, यहाँ तो हम रिटेल का शॉप है बस। यहाँ मतलब अगर किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा होगा और वो मंगवाना, इस पर रिस्क नहीं लेते, ट्रांसपोर्टेशन में वो लोग उल्टा सीधा फेंकते हैं, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को रिस्क नहीं लेते। अच्छा, पैकेजिंग का चार्ज कस्टमर देता नहीं है, उसकी वजह से वो काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। अच्छा, ऑनलाइन काम, तो अगर कोई बाहर का व्यूवर्स देख रहा होगा, उसे आपकी चीज़ पसंद आ रही होगी, तो फिर वो कैसे? हम लोग बाहर राजस्थान के लिए फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, तो वहाँ की कोई वेबसाइट या कोई heritageterracotta.com से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी सेवा करते हुए मुझे 15 से 20 साल हो गया है, मतलब टेरिकोटा का ही काम कर रहे हैं आप? हमारा हैंडमेड काम है, इसके अलावा हमने दूसरा कोई काम नहीं देखा। अच्छा, ये सब काम आप अपने हाथ से खुद करते हैं? एड्रेस क्या होगा? मैम, हमारे पास पॉट्स में तो काफ़ी वैरायटी है, बाकी कोई भी कस्टमर लेना चाहे तो हमारे पास ये अपना रोडवेज का वर्कशॉप है, हरिद्वार रोड पर नियर रेसकोर्स चौक, तो वहाँ पर हमारी शॉप है, अवेलेबल है। जो भी टेराकोटा में जितनी वैरायटीज़ हैं, मोस्टली हम लोग फुलफिल करते हैं कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट। ऐसा ना हो इस दिवाली पर भी हमारे कुम्हार धूप में जलते रहें और हम मेड इन चाइना के दिए जलाते रहें। इस दिवाली आप भी एक उम्मीद का दिया जलाइए, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाइए। हैप्पी दिवाली। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक बार फिर हैप्पी दिवाली। मेरा इंतज़ार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।